जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना तीसरा बजट पेश किया और बजट में शुरुआत में ही मंत्री जी ने भारत की आत्मनिर्भरता की बात की। कोई ऐसा नागरिक नहीं होगा, कोई ऐसा सदस्य नहीं होगा जो ये नहीं चाहता हो कि भारत आत्मनिर्भर हो। हम सभी चाहते हैं, ये हमारा सपना है। लेकिन जो हालात हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति है, उससे कई सवाल उठते हैं कि वाकई में हम उस दिशा में जा रहे हैं? क्या इस देश का किसान आत्मनिर्भर है? ये सवाल उठता है। क्या हमारे दलित भाई आत्मनिर्भर हैं? क्या अल्पसंख्यक भाई और बहन आत्मनिर्भर हैं? क्या हमारा एमएसएमई सेक्टर आत्मनिर्भर है? क्या छोटे छोटे उद्योग व्यापारी आत्मनिर्भर हैं? इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था और उन्होंने कहा कि 86% किसान हिंदुस्तान के, उनकी जो होल्डिंग है, जमीन है, वो 5 एकड़ से कम है। 86%। तो क्या है वो आत्मनिर्भर हैं? इसीलिए क्या किसान दिल्ली के बॉर्डर पे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर है? ये सवाल का आपको जवाब देना होगा। भाषण तो हो सकता है, वर्ड स्मिथ भी हो सकते हैं, लेकिन जमीनी असलियत हिंदुस्तान की क्या है यह आपको समझना होगा। एक गरीब आदमी सोचता होगा कि मेरी छोटा सा घर है, छोटी सी दुनिया, मुझे तो उड़ना सिखा दे, नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वो ऐसी उड़ान चाहता है कि वो आत्मनिर्भर हो। तो पहली बात तो ये, और कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगा जिससे साफ जाहिर होगा कि ये एक खोखलापन है। दूसरी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि दी बजट इज ए वेरी कॉन्टेक्स्चुअल एक्सरसाइज। इट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन दैट इज प्रिवेलिंग जस्ट बिफोर द बजट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ द इकोनॉमी ग्रू दैट यू प्रेजेंट द बजट। आफ्टर ऑल यू बीन इन पावर फ्रॉम 2014, नो मोर एक्सक्यूजेस। कांग्रेस वॉज पावर फॉर 60 ईयर्स, यू बीन देयर फॉर 6 ईयर्स, and so your report card will have to be looked into. Let's see some facts and figures just before COVID happened. Why I say the budget is a contextual exercise? Because just before the COVID, there are certain economic indicators that tell you how badly this economy was managed. And then COVID came, and what's the result of COVID on the economy? I'll give you some of that data also, but let me start by giving you as to what was the state of the economy just before COVID. Industrial investment growth rate, NDA 6%, purani baat kar raha hu, UPA 1 25%, UPA 2 3%, BJP 1%, 2%. Credit of bank loans, real growth per year, NDA 13%, UPA 1 20%, UPA 2 6%, BJP 4%. Exports, NDA 16%, UPA 1 24%, UPA 2 18%, BJP 3%. Imports,
average growth rate, NDA 15%, UPA 131%, UPA 216%, BJP 4%. Sales of corporate sector, real growth, NDA 11%, UPA 117%, UPA 27%, BJP 3%. Corporate profits, NDA 0.7%, UPA 1.2%, UPA 2.1%, BJP 1.4%. तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये आंकड़े हैं कोविड से पहले, तो कोविड के बाद हिंदुस्तान की जनता की क्या हालत होगी? क्या वो कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? दिस ओनली शोज दैट फॉर द लास्ट 5 years यू हैव मिसमैनेज्ड दिस इकोनॉमी. इट ओनली शोज दैट इन फैक्ट इन एवरी बजट द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स आर ग्रोथ एंड इक्विटी. Growth and equity. Some people prefer growth, others prefer growth plus equity. And I will demonstrate to you how in this budget you have only preferred growth. You have forgotten about the people of India. You have no heart as far as that poor person is concerned who wants education, who wants primary health centers for health care. The MSME sectors have lost 35%. 35% of all MSMEs have wound up. What have you done for them? Now, let me give you another scenario as to what has happened during the pandemic and what is the state of the economy during the pandemic in 2021. Production of coal, minus 15%. Production of cement, minus 38%. Consumption of steel, minus 56%. Total telephone subscribers, minus 2%. Commercial vehicle sales, minus 84%. Cargo handled at major seaports, minus 19.8%. Cargo handled at airports, minus 57.2%. And these are figures from the Ministry of Statistics and Program Implementation. These are not our figures. Passengers handled at airports, minus 94.1%. Railways net ton kilometers, minus 26.7%. This is Atmanirbharta for you. How does this government justify what it has done? How has it handled the economy? What has it done for the poor? What are the allocations made for the poor? The problem is that there is what is called jugglery of data. You are perpetuating a rigged economic system, and I will demonstrate that. You're establishing an oligarchic economic order. And I will establish that. Just one data you should know. 1% in 2018, 1% of the people of this country owned 58% of the assets of this country. And in 2019, 1% of the people of this country owned 73% of the assets of the country in 1 year. In 1 year. This is a classic case of crony capitalism. ये जो आप ports की बात करते हैं, airports की बात कर रहे हैं, ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये ports किसको जा रहे हैं? ये airports किसको जा रहे हैं? ये हमारी देश की संपत्ति कहाँ जा रही है? कौन ले रहा है? कौन खरीद रहा है? और आप उसका साथ दे रहे हैं? असलियत तो ये है मैडम मिनिस्टर के देर आर 4-5 बिग बॉयज इन दिस कंट्री हु ओन ऑलमोस्ट ऑल एसेट्स इन दिस कंट्री एंड वन वेरी बिग बॉय इज एवरीवेयर. नो, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी. ही इज एवरीवेयर. पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स,
city gas distribution centers, railways, everywhere. I mean, I see his footprint everywhere. असलियत तो ये है कि भाई जिस जहाज में आप जाते थे उसको एयरपोर्ट तो आपको देना होगा ना, वो तो जरूरी है ना। 6-7 एयरपोर्ट प्राइवेट उनको दे दिए, नीति आयोग ने विरोध किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने विरोध किया, उसको ओवररूल कर दिया। तो ये बातें देश के सामने आनी चाहिए। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपने हमने बजट में कहा और आपने ये कहना चाहा कि देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आई स्पेंड 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 एज इफ यू हैव मनी टू स्पेंड। यू शुड हैव सेड माय इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज सो बैड दैट आई हैव टू बोरो बोरो बोरो। लेट मी टेल यू सम बेसिक फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट डॉक्यूमेंट्स नाउ 53% ऑफ रेवेन्यू विल कम फ्रॉम टैक्सेस एंड 47% रेवेन्यू विल कम फ्रॉम नॉन टैक्स सोर्सेस। व्हाई इज इट दैट यू हैव हैड अ डेफिसिट ऑफ 9.5% इन 2021? बिकॉज योर रेवेन्यू अर्निंग्स हैव गॉन डाउन, योर टोटल टैक्स रिसीट्स हैव डिक्लाइंड बाय 23%, योर टैक्स कलेक्शन, your target was 24.2 lakh crores, there is a shortfall of 5.24 lakh crores, your corporate taxes has a shortfall of 2.34 lakh crores, your income tax has a shortfall of 1.8 lakh crores, that's the shortfall of your revenues. So where is this question of spend? You didn't have the money, so what did you do? You borrowed. Because there was no choice. I don't blame you. There was no choice. And now you are saying that in 21-22, the budgeted increase of central tax revenues, budgeted increase, is going to increase by 14.9% to 17.9 lakh crores, which is still below the budgeted estimates of 2021. And further, all this projection is against a backdrop of an expected increase in nominal GDP of 14.4% or real GDP of 11%, which in fact has plunged to minus 7.7% in 2021. So, aap revenues increase kaise karoge? Ye sawal uthta hai, aur jo aap aankade bata rahe ho ki ab aapki GDP nominal rate uska 14% hoga, wo to baat ki baat hai. कब होगा कैसे होगा वो तो वक्त बताएगा। और प्रॉब्लम ये है कि आपने पिछले साल, क्योंकि आपके पास पैसा तो है नहीं और था नहीं, आपने सोचा कि भाई हमारे डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स जब हम मीट करेंगे तो हमारे पास पैसा मिल जाएगा। तो आपके डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2021 वाज व्हाट? 2,10,000 करोड़। व्हाट डिड यू अचीव? 32,000 करोड़, व्हिच इज 15%। And this year our disinvestment target is 1,75,000 crores. That's how you say that you will, next year the fiscal deficit will come down to 6.8%. But where will you achieve 1,75,000 records if your track record is this? How will you achieve it? Fact of the matter is, sir, that the real people of this country who were crying for help, you have jettisoned them. People are hungry for employment. Rozgar hai nahi logon ke paas. Kisi bhi sector mein dekh lo. Aur main aapko kuch aankde dena chahta hoon रोजगार के, ताकि आपको, और उसके बारे में तो आपने अपने बजट स्पीच में कुछ कहा भी नहीं, रोजगार का तो, बेरोजगारी का तो नाम ही नहीं लिया। आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी, वॉल्यूम वन में भी रोजगार का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या परवाह है, आपके लोगों को रोजगार मिल रहा है,
देश की जनता को नहीं मिल रहा। द सेंटर फॉर ऑफ अ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI said that 120 million lost jobs during lockdown. What have you done for that 120 million, I ask you, in your budget? In December 2020, the employment was 14.7 million, which was below pre-COVID levels. In January 2021, it was 9.8 million below COVID levels. 21 million jobs were lost by salaried employees. 21 million jobs. तभी तो हम देख रहे थे लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते जा रहे थे, कोई साइकिल पे चल रहा था, कोई पैदल चल रहा था, घर पहुंचना चाहते थे क्योंकि यहां उनका घर छूट गया। और आपने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगा दो, आप उनको भूल गए। आपको केवल वो उद्योगपति याद है जिनको आपने, मतलब के आपको याद है ना कि आप ही ने 25% किया था ना उनका टैक्स, कमती किया था ना 25%, और नई जो इंडस्ट्री लग रही थी वो 15% किया, उनका तो आप बड़ा ख्याल रखते हो। और जनता की जो पीड़ित जनता है उनको भूल जाते हो। हिंदुस्तान की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 40% है, ग्लोबल 66%। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यहां 23% है, बांग्लादेश में 30%, इंडोनेशिया में 39% और थाईलैंड में 45%। और मनरेगा में भी आपने एलोकेशन कम कर दिया भाई, 35%। क्यों किया? वही तो एक साधन था लोगों को कि मनरेगा द्वारा उनको कोई रोजगार मिले। और आप टेक्सटाइल पार्क्स बनाने जा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, वो कब बनेगा? आपको मालूम है ना कि इन चीज में वक्त लगता है। अब 6 साल तो आप हो गए, इतने वक्त में भी आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो तो आंकड़े मैंने आपको बता दिए। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, उसका लैंड एक्विजिशन होता है, उसके बाद एलोकेशन होती है, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप एक दिलासा दे रहे हो हिंदुस्तान की जनता को कि देखिए हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, हम 6-7 टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे तो जनता को रोजगार मिलेगा। कब मिलेगा मंत्री जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप वादा कर सकते हो कि मिलेगा? वो पीड़ित लोगों को मिलेगा? रियल एस्टेट सेक्टर की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उनके भी आपने इंटरेस्ट रेट कम नहीं किए। टेलीकॉम सेक्टर इज इन अ डेट ऑफ 8.55 लाख करोड़, उनको आपने क्या दिया? नो रिलीफ फॉर द माइनिंग सेक्टर। एविएशन हैज प्रोजेक्टेड लॉसेस ऑफ 6 to 6.5 billion dollars इन 21, आपने उनके लिए क्या किया? टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हैव लॉस्ट 90,000 crores, ओवर 5 lakh जॉब्स, उनके लिए आपने क्या किया? एग्रीकल्चर, वो भी एलोकेशन आपने कम कर दी। किसान सम्मान निधि जो 65,000 crore थी, करोड़ है, पिछले साल जो 75,000 crore थी, वहां भी आपने कम कर दी, 10,000 crore कम कम। प्रॉब्लम तो ये है ना कि जो किसान मांग रहा है ना, उसकी मन की बात तो आप सुनते नहीं, अपनी मन की बात हमेशा कहते रहते हैं। किसान क्या कह रहा है आपको? किसान कह रहा है कि मुझे MSP चाहिए और आप कानून उसका बना दो। आप कहते हैं नहीं, हम कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट ट्रेडर है, उनके पास आकर वो उसको MSP से ज्यादा देगा। ये आपका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सभी आपके मंत्री लोग कहते हैं, कोई नुकसान होगा ही नहीं किसान को, क्योंकि उसको MSP से ज्यादा मिलेगा। अगर उसको MSP से ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? आप कानून में बोल दो कि MSP किसान का मूल्य खरीदेगा नहीं, क्योंकि आपका मानना है उसको तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना,
ये अमेरिका और यूरोप में एक्सपेरिमेंट हो चुका है और कुछ मैं आपको चौंकने आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ अमेरिका से जुड़े हुए और शायद आपको अमेरिका में 2020 में क्योंकि अमेरिका के ओनली 1.5% of the farming in America because everything has been corporatized. People own thousands of acres of farmland. Why did this happen? Because people thought that the farming sector will be very progressive and will earn a lot of money and the farmers will benefit. But let me tell you just one figure. In 2020, American farmers were saddled with a bankruptcy of more than $425 billion. This is corporatization of farming in America and the result of corporatization. In fact, the rate of suicide in rural America is about 45% higher than in urban America. Small farmlands have disappeared. Now, unlike America, here 40 to 60% of our population is involved in agriculture. और उनके भाई कोई उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि कहीं और वो रोजगार कर ले कोई भी विकल्प नहीं है और अगर वो 86% जो किसान है उनको अपनी जमीन बेचनी पड़े वो जाएंगे कहां जाएं तो जाएं कहां समझेगा कौन यहां कहां जाएंगे क्या रोजगार देंगे आप उनको और यही हालात यूरोप में है और इसका नतीजा यह है आप तो देखिए किसान को $11 बिलियन की सब्सिडी देते हैं उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है बट $11 बिलियन की आप सब्सिडी देते हैं चाइना में फार्मर को $185.9 बिलियन की सब्सिडी मिलती है EU में $101.3 बिलियन की USA में $48.9 बिलियन एंड लेट मी टेल यू अनदर फिगर इन द US एवरी फार्मर गेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट $62,000 अ ईयर टू सपोर्ट द फार्मर एंड यू आर नॉट इवन विलिंग टू गिव अ फार्मर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो तो ज्यादा नहीं मांगता आपके उद्योगपति तो हमेशा ज्यादा मांगते हैं कहते हैं हमारे टैक्स में राहत करो एग्जेम्पशन कर दो हमें टैक्स रेट कम कर दो ये सब कहते हैं ना उद्योगपति आप उनको दे देते हो लेकिन किसान जब MSP मांगता है उसको देने को तैयार नहीं वो तो मिनिमम है आप किसान को तो आप उद्योगपति तो मैक्सिमम देते हो वो तो बेचारा मिनिमम मांग रहा है I'm not yielding. No, allow me to speak, sir. Please carry on. Sir. So let me now come to two or three other topics which I just want to touch because I have only 25 minutes and I'll finish within that time. Sir, the finance minister very well knows that there is a ministry's report, Reserve Bank of India's report of July 2020 because the finance minister has suggested that all the NPAs, and the NPAs are now, are snowballing, all the NPAs will be transferred to a new asset reconstruction company. And they will then be managed by an asset management company. And then the scheme seems to be, because the details of the scheme are not with us, but broadly, what you say is that the net worth of an NPA will be determined after minusing the provisioning in the bank accounts, in the accounts of the bank. And that of that net worth, say that net worth comes to 100 crores. Just give an example. 15% will be paid in cash to the bank. And the balance, 85%, will be a sort of a haircut for the bank. Right? And then security receipts will be given to this asset reconstruction company,
and through that, those security receipts, the value of the asset will be realized. This is the scheme that you have adopted. Now, we don't know at what stage the 15% cash is to be given. Nobody knows. And from where? From which account? And all this will be managed by the public sector banks who were actually mismanaged earlier and brought the NPAs to this high level. This will all be managed by the public sector banks. So I'm asking you, where will you give, how will you give that 15%? When will you give that 15%? How will you calculate who is to give? Secondly, what will happen to that security receipt? Are you going to sell that asset? How are you going to sell that asset? You can't go back to the IBC process. If you go back to the IBC process, it will land in the same fashion. So will you do it through private negotiations like you have done in the past? And you know who will buy it in those private negotiations? And I'm surprised that the budget papers do not reflect the manner in which you're going to dispose this off, how it is going to be done, and you're leaving it to later time. I thought that an important proposal like this should be so transparent that all of us could have looked at it and debated it. But this is all non-transparent. Now, just to tell you, the financial stability report of July 2020 talks of the NPAs of the public sector banks. This is July 2020. And real estate, and it says, share of good quality loans of the industry as share of total good quality loans as on March 2020. Now, the share of good quality loans in the real estate sector is 2.3%. In other words, the bad quality loan is 98.7%. Sorry, 97.7%. Collection and distribution of electricity. Good quality loans is 2.5%. Bad quality is 97.5%. Public utility services, I can go on with these figures, yeah. I don't want please, you to have please that Please conclude now, your time is over. No, sir, my time is not over. No, it's not over yet, I've got 2, 3, 4 minutes. Give me another You have 25 minutes. Give me another 5 minutes, I'll finish. Don't mind, sir. You conclude as early as possible. I mean, sir. Your time is over. I will conclude before 2:30. Right? I'm giving you another two, 3 minutes, but... No, I'll conclude before 2:30. I started after 12 o'clock. 1:30. You started at 1:54. We are just wasting a minute's time. Please carry now on. Now, the point is, if this is the state of the NPAs, there is a latest report of the Reserve Bank of India of January 2021. And that latest report, and I quote what it says, is macro stress assets for credit risk show that SCB's GNPA ratio may increase from 7.5% in September 2020 to 13.5% by September 2021 under the baseline scenario. In the macroeconomic environment deteriorates, if the macroeconomic environment deteriorates, the ratio may escalate to 14.8% under the severe stress scenario. These projections are indicative of the possible economic impairment latent in bank portfolios. 14.8%. Now, if that's the state of the economy and that's the state of the NPAs in the bank and that's the state of the banks, even if you transfer the bad loans of 2.1 lakh crores, which you intend to do, to another, to an ARC, these bad assets will continue. These NPAs will continue. They're not stopped. Now what you want to do? Actually, you want to sell and monetize all the assets in this country. Award private trade bids for completion by May 2021. You're going to sell Kolkata Metro, Konkan Rail, track and overhead equipment, redevelopment of railway colonies, railway hospitals. You're going to sell 10,000 crores power transmission assets. Please conclude now. Please conclude. No, your sir, I've got a few minutes. No. Your time is over. I have the watch. You know, you ask your chief. Two minutes. Your time okay. is over. So you're going to privatize that. And who are you going to give it to? Now, sir, I just want to say just one last thing and give me 2 minutes, and then I've done.
ये जो दो चार लोगों की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, एक ऐसी कंपनी है जिसने जिसके पास लगभग सब कुछ है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सब कुछ हैं। तो और देखिए, स्टील सेक्टर में दो तीन प्लेयर हैं, पावर सेक्टर में दो तीन प्लेयर हैं, एक प्लेयर सब सेक्टर में है, तो ये कैसे काम चलेगा? दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपने ये बात कही है कि हम पुराने बजट्स में वोट बैंक पॉलिटिक्स करते थे, ये आपने कही, आपके प्रधानमंत्री जी ने कही। और इस बजट में आपने क्या किया? आपने असम में, ये सब जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ चुनाव आने वाले हैं, असम में 34,000 करोड़, प्लीज प्लीज कंक्लूडिंग इन अ मिनट, वेस्ट बंगाल में, ये बात तो करने दो, वेस्ट बंगाल में 675, असम वेस्ट बंगाल में 675 किलोमीटर बना रहे हैं आप, केरला में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे, तमिलनाडु में 3500, और आप कहते हैं आप वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते, आप बजट में वोट बैंक कलेक्ट